बेगूसराय में काया केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। काया केयर हॉस्पिटल से के निर्देशक हैं डॉक्टर रूपक सर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, काया केयर हॉस्पिटल का आपने ये शुरुआत किया, किस तरह की सुविधा मिले, क्या इलाज मिला? सबसे पहले द बिहार झारखंड न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो यहाँ पे आए और हम लोगों की बातों को पब्लिक तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। द काया केयर हॉस्पिटल जो है, काया मतलब होता है कि शरीर, काया का मतलब शरीर होता है और ये एक चेन है। सबसे पहले काया केयर हॉस्पिटल जो डर्मेटोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेन है वो चलता है। काया केयर हॉस्पिटल का थीम यही है कि मरीज को अफोर्डेबल प्राइस पे और अप्रोचेबल मतलब जल्द मरीज को सही इलाज मिल पाए और एक छत के नीचे। हम लोग यहाँ नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और क्रिटिकल केयर, ये चार ब्रांच के से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें किडनी रोग से संबंधित सारी बीमारी का इलाज, हृदय रोग से संबंधित सारी बीमारी का इलाज, पेट रोग से संबंधित सारी बीमारी का इलाज और क्रिटिकल केयर जो मेडिसिन के हैं मरीज, उनका इलाज संभव हो पाएगा और एक सस्ते दरों पे इलाज की कोशिश की जाएगी और क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सर, आज इसका उद्घाटन जो है VC के माध्यम से ही उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन कहता, क्या संदेश दिए होंगे? शाहनवाज हुसैन उपराष्ट्रपति चुनाव के कारण आज नहीं आ पाए, उनके आने का प्रोग्राम था लेकिन कोई जरूरी काम, कैबिनेट मीटिंग के कारण वो नहीं आ पाए हैं और आज वो VC के माध्यम से, उनका उद्देश्य यही था उनके कहने का कि आप लोग गरीब से गरीब मरीज जो यहाँ पे आ जाएं, जिनके पास पैसा नहीं भी रहे, कुछ ना कुछ समुचित इलाज करने की आप कोशिश करें और हम लोग का कोशिश रहेगा कि मरीज को जितने कम से कम प्राइस में हो सके इलाज संभव करा पाए। सरकार की कई सारी योजनाएं भी चलती है, आयुष्मान कार्ड योजना भी है, वगैरह वगैरह कई सारी योजना, तो क्या ये यहाँ के अस्पतालों में, हाँ जल्द ही यहाँ के अस्पतालों में आयुष्मान भारत की योजना है सरकार की, उसको उसका लाभ लोगों को मिलेगा, जिसमें बहुत जल्द ही मेडिसिन विभाग में जो आयुष्मान भारत का जो लाभ होता है वो मिल जाएगा। वैसे मैं अभी आयुष्मान भारत में बिहार सरकार के द्वारा मेडिसिन विभाग में जो लाभ पहुंचाए हैं उसके लिए हमें पुरस्कृत भी किया गया था मंगल पांडे के द्वारा, बिहार के सारे डॉक्टरों को, बहुत सारे डॉक्टर जो इसमें गरीबों को आयुष्मान भारत से लाभ पहुंचाए थे चाणक्या होटल में पटना में, और हमें भी मंगल पांडे के द्वारा इसके लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो सर, यहाँ और क्या सुविधा मिलेगा, जैसे गरीब मतलब पीड़ित मरीज जब आएंगे उनको किस तरह से यहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे मरीजों को किस तरह से पहुंचेंगे? मरीज तो आ ही जाएंगे, हम लोग अपना अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, नर्सिंग होम सब है और जो मरीज आएंगे उनको सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज, जैसे किडनी से पीड़ित मरीज हैं, डायलिसिस की सुविधा है यहाँ, हार्ट के लिए इकोकार्डियोग्राफी, TMT, उसके बाद जितना भी मेडिसिन से संबंधित लकवा, जो भी बीमारी कॉमन बीमारी है उनका सारा इलाज होगा, सर्जरी लेप्रोस्कोपी द्वारा जो भी सर्जरी होती है वो सर्जरी की व्यवस्था होगी, ऑर्थोपेडिक्स का जो भी काम होता है, नी ट्रांसप्लांट से लेके हिप ट्रांसप्लांट सारे काम यहाँ शुरू होंगे। ये कहाँ पर हॉस्पिटल खुला है? और ये अस्पताल BP हाई स्कूल, जब आप BP हाई स्कूल से हेमरा रोड में BP हाई स्कूल से 200 मीटर आगे अवस्थित है। तो आपने सुना कि यहाँ जो है आपको हर चीज़ की इलाज की सुविधा उपलब्ध है, यहाँ ICU भी है, आप एक बार तस्वीर यहाँ घुमा लीजिए कि ये ICU ही है, और भी हम यहाँ के जो वार्ड है वो सारा चीज़ हम दिखाएंगे, हर कमरे को हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो है ये ICU है, ICU में बेड भी उपलब्ध है और HDU है, और जो आपको ये डायलिसिस रूम है, आप यहीं काम करते हैं। अच्छा, यहाँ के बारे में बताइए, तो रूम के बारे में बहुत अच्छा व्यवस्था है रूम, ये क्या है? ये माइनर OT का है, जब OT की छोटी मोटी काम जो होती है, सर्जरी होती है तो उसमें। अच्छा, और ये डायलिसिस रूम है। डायलिसिस,
ये देखिए, ये डायलिसिस रूम है, यहाँ पर पेशेंट का डायलिसिस होता है। और भी कोई कमरे हैं, बेड हैं ऊपर में? ऊपर में अभी हालांकि काम चल ही रहा है, प्रोसेस में ही है, लेकिन लगभग काम पूरा हो चुका है। ऊपर में वार्ड है, स्पेशल वार्ड है, और यहाँ पर ओटी आईसीयू। अच्छा, यानी कि मरीज को हर सुविधा है यहाँ? हाँ सर, सुविधा एक साथ। क्या नाम है? ऋतु राज कुमार। नहीं देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर रूपक जी को, सतप्रकाश जी को, इनके पूरे टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। उन्होंने बेगूसराय की जनता की सेवा के लिए, उनके सुविधा के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे खोला है, और उनका शुद्ध रूप से यह उद्देश्य है जो इन्होंने बताया है, एफोर्डेबल प्राइस पर, मतलब कम से कम दर पर अच्छी से अच्छी इलाज बेगूसराय की जनता को उपलब्ध कराना। तो एक बहुत ही अच्छा और नेक उद्देश्य के साथ ये अस्पताल इन्होंने खोला है। लेकिन जैसा आप सब लोग जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की बहुत तेजी से तरक्की हो रही है, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो बेगूसराय तो उसमें अग्रगणी है सबसे ज़्यादा यहीं, चाहे रिफाइनरी हो, आप जानते हैं उसको 6 मेट्रिक मिलियन टन से 12 मेट्रिक मिलियन टन उसकी कैपेसिटी की गई, और वह पूर्ण रूप से पेट्रोकेमिकल हब बनने के लिए तैयार है। बंद पड़ा हुआ फर्टिलाइजर भी खुल गया कंपनी HURL के नाम से, NTPC जो पहले बरौनी थर्मल पावर था वो खुल गया, कई सारे 4 लेन 6 लेन पुल सारे चीज़ें हो रही। हमने अभी माननीय हमारे सांसद गिरिराज जी उनके प्रयास से एक सुपर स्पेशलिटी पेडियाट्रिक हॉस्पिटल सदर अस्पताल में दिया 50 बेड का, वो भी एक अच्छा चीज़ बेगूसराय के लिए हुआ है। सदर अस्पताल का पूरा रिमॉडलिंग हो रहा है, रिफर्बिशिंग और सब कुछ हो रहा है 2300 करोड़ के लागत से। वहीं जितने हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो सब भी बेगूसराय के लिए कई सारे अच्छे अच्छे सुपर स्पेशलिटी के, मल्टी स्पेशलिटी के अस्पताल बेगूसराय में लेके आ रहे हैं। तो यह विकास की गाथा स्वयं कह रहा है, और निश्चित रूप से इससे बेगूसराय की जनता लाभान्वित हो रही है। एक बार पुनः आपके माध्यम से रूपक जी के सारे टीम को, मैं काया हॉस्पिटल के सारे टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि खूब तरक्की करें और ढेर सारी हॉस्पिटल खोलें।